पाकिस्तान नहीं जाएंगे। और जब मेरी शादी हुई थी तो उस वक्त मेरी उम्र 12-13 साल, अबेदा साहब की उम्र 45 साल, जबकि बहादुर शाह जफर 1857 में इसी वतन के लिए बेवतन गए, लेकिन वतन की मिट्टी अपने साथ ले गए थे। जब हम मरे तो सबसे पहले मेरे सीने पर अपने वतन की मिट्टी रखी। हम लोग पॉलिटिक्स करके छोड़ दिया, तुमको पर्दा से क्या लेना, तुम यूपी का सबका चोंगा उतार दिए, अजान मत दो, हम लोग को तकलीफ हो रही। तुम जब मंदिर में घंटा बजाते तो हम लोग को तकलीफ नहीं होती है। आज भी चीन में या मेरी बात होती है, वो हरिद्वार में है और हमको बहन बना लिए। बहादुर शाह जफर, नाम तो जरूर आपने सुना होगा। कभी भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में उनकी हुकूमत चलती थी, लेकिन आज क्या आपको पता है कि उनके जो वंशज हैं, उनके जो खानदान के, उनकी बहुएं जो है वो किस स्थिति में है? शायद नहीं पता है आपको। आज हम आपको बताएंगे द कंटाप के जरिए कि बहादुर शाह जफर खानदान की बहू की स्थिति क्या है, कितनी बदहाल जीवन वो जी रही हैं। अभी हमारे साथ हैं सुल्ताना बेगम। सुल्ताना जी, आपका स्वागत है। शुक्रिया। सुल्ताना जी, बहादुर शाह जफर खानदान की बहू है, लेकिन इनकी जीवन की क्या स्थिति है और ये किस बदहाल जीवन में जी रही हैं, चलिए इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। आपके शादी को कितने वर्ष हुए? 15 अगस्त को, और बेदार साहब का इंतकाल हुआ है 22 मई 1980 में। 80 में ही इंतकाल हुआ? हाँ, तो उस वक़्त मेरी उम्र 26-27 साल थी। और जब मेरी शादी हुई थी तो उस वक़्त मेरी उम्र 12-13 साल, अबेदा साहब की उम्र 45 साल। लेकिन मेरी माँ बोली नहीं, हम जबान दिया तो बेटी आ रही, ख़ानदान तो अच्छा है, गरीब है तो क्या। तो देखिए पूजा जी, अभी दुनिया में इंसान दौलतमंद को देख के देता है, क्या उसके पास दौलत है, दौलत का शोहरत है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, भिखारी की ज़िंदगी है, लेकिन आज पूरे वर्ल्ड में हमारा नाम है। बस इसी से हम अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ और सब्र करती हूँ और अपने आप को बहुत गुरूर महसूस करती हूँ। अच्छा, कितने वर्ष, कितने बच्चे थे उस वक्त आपके? हमारे 6 बच्चे थे। बड़ा लड़का मुश्किल से 10-11 साल का था और सबसे छोटी लड़की 6-7 महीने की गोद में थी। एक लड़का, 5 लड़की। कैसे वो समय बीता? देखिए माँ के पास रहे, कुछ माँ ने मदद किया, कुछ घर बैठे मेहनत किया, कुछ 1980 में आपका जून महीना में एक सरदार जी आए थे, तो वो आए गए तो मुझको ना एक शौक होता था, सब राखी बांधता है, ये करता है। तो एक रज बोला कि आपको हम राखी बांधे, बोले देखिए आप बंधाना तो आसान होता है लेकिन निभाना बहुत मुश्किल होता है। हम बोला नहीं, बस ऐसे सिलसिला चलते चलते और धर्म भाई बन गए। तो धर्म भाई बन गए तो फिर हमने क्या किया कि हावड़ा में घर ले लिया, अपने बच्चे लोग को ले कर आए, वो भी अपना छोटा मोटा सा पेपर में अपना नौकरी किए, कुछ अपना पेंशन है, ये मिला जुला कर हम लोगों का संसार भाई बहन का चलता रहा। सब बच्ची भी अपने अपने घर को हो गई, फिर हमने 89 को अपना गोद लिया, फिर उसको पढ़ाई लिखाई, ज़्यादातर मेहनत पढ़ाई लिखाई में परवन सिंह मेहरी का था, रोशन आरा के लिए। अच्छा, ये वही परवन सिंह मेहरी थे जो पिछले साल जिनका देहांत हुआ? जी हाँ, ये वही थे, वही हम लोग के साथ जो बहन बनाए तो आखिरी दम तक के वो हम लोग के साथ ही रहे। और उनके ख़ानदान में कोई उनको पूछने वाला नहीं, क्यों नहीं पूछा कि इन लोगों का कुछ प्रॉपर्टी खड़गपुर में है, तो उन लोग ये सोच रहे कि अगर जाए इनसे मेल जोल रखे तो ये अपना हक अगर मांगे। अच्छा, आपको क्या सरकार की ओर से, आप इतने बड़े ख़ानदान की बहू हैं और इस तरह से बदहाल जीवन जी रही हैं, कभी सरकार की ओर से, भारत सरकार की ओर से आपको कुछ मदद मिली? नहीं, भारत सरकार की वजह से तो नहीं मिला। बेदार साहब को 1960 में 250 रुपये पेंशन थी, फिर शादी होने के बाद, बच्चा होने के बाद 1967 में मार्च महीना 18 मार्च को 400 रुपये पेंशन, फिर बेदार साहब के इंतकाल के बाद फिर मुझको वही पेंशन मिलने लगी। तो 29 साल हमने 400 रुपये पेंशन लिया। फिर उसके बाद में एक धर्म भाई बने जो दिल्ली में आए, वो आर्मी में थे, शुक्ला जी, फिर वो प्रतिभा पाटिल से कॉन्टैक्ट किए, करने के बाद मुझको मिलाए। मिलाने के बाद तो थोड़ा उनसे गलती हो गई कि कम से कम 50,000 रखते, वो 10,000 मांग किए तो 6,000 पेंशन मिल रही है। तो बोले देखिए बहन, मेरी ज़िंदगी रही तो और हम आपको बढ़वा देंगे। तो देखिए अभी क्या होता, अभी तो 6,000 मिल रहा है। ये भारत सरकार की? हाँ। और बाहर से कहीं आपको कुछ? नहीं, बाहर से कुछ नहीं मिलता। अगर जो कोई आ गया, जैसे एक है डॉक्टर अमेरिका से आ गए, बदहाली देखा तो कुछ दे दिया,
सूखे रमा पर कभी कदार कोई रोटी रख दिया तो वो रोटी, एक अमेरिका से फ़ोन आया था बोला सुना आपका बहुत खस्ता हाल है, बोले भैया बहुत बहुत शुक्रिया, तो हम अपना सारा प्रॉपर्टी आपको देना चाह रहे हैं। हम बोले भैया ठीक है आप देना चाहते हैं आपका शुक्रिया है मेहरबानी है, लेकिन आप हमको पहले जगह बताइए, आप सारा प्रॉपर्टी जो मुझको देंगे तो वो जगह है कौन सा। तो बोले पाकिस्तान, हम बोले दो हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगते हैं, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, पाकिस्तान में आपको देना है वो प्रॉपर्टी, वहाँ बेच के मुझको हिंदुस्तान में दीजिए। जबकि बहादुर शाह जफर 1857 में इसी वतन के लिए बेवतन गए, लेकिन वतन की मिट्टी अपने साथ ले गए थे कि जब हम मरे तो सबसे पहले मेरे सीने पर अपने वतन की मिट्टी रखना। लेकिन अभी तक उनके दिल्ली में उनकी जो है मिट्टी नहीं गई है। हमने बहुत मांग किया कि जब उधम सिंह का आ सकता है, उधम सिंह क्या थे, कितना वो जो छोटे ही कुर्बानी दिए, लेकिन बहादुर शाह जफर जो कुर्बानी दिए, कौन ऐसा, हम तो सोचते हैं कि अल्लाह ने उनका क्या दिल बनाया था, पत्थर का था कि क्या, जिनका तीन औलाद का सर काट के बाप के सामने नाश्ता दे और वो अल्लाह का शुक्र अदा करे और उफ्तार ना करे, उनसे बढ़ कर कुर्बानी हम तो कहते हैं ज़िंदगी में आज तक ना कोई दिया ना देगा, तो उसका सिला यही मिल रहा है, फर्टीचर जगह पे है, अपने मजदूर बस्ती में है, कभी रोटी खा रहे हैं कभी नहीं खा रहे, सुबह खा रहे तो शाम को सोच रहे कल क्या होगा, फिर सोचते अल्लाह मालिक है। आसपास के लोगों से कैसा संपर्क? नहीं, आसपास के लोग हमारा ये है कि कभी दुख सुख हुआ, कुछ भी हुआ, कोई मुसीबत हुआ, सरदार जी का इंतकाल हुआ, पूरा मोहल्ला हमारा साथ, हम उनको छोड़ के चले जाते, ये बच्चे लोग को छोड़ के कहीं चले गए, ए भैया हम जा रहे हैं जरा ख्याल रखोगे, मेरे मोहल्ले का आदमी सब ख्याल रखता है। कोरोना काल का वक्त कैसा था? हम लोग सब आपस में मिल के, हम लोग बोला कोरोना को हम लोग भगाएंगे, हम लोग आपस में सब मिले, लॉकडाउन में भी एकदम सब कुछ ठप, इंसान कितना कमा के रखा है, कितना निकाल के खर्च करेगा, एक अगर मार्केट में रोलिंग होता है बिजनेस तो पैसा आता भी है जाता भी है, और निकाल के आप कितना खाएंगे तो खाली होगा, अभी सुन रहे फिर लॉकडाउन लगेगा तो अब तो कोई मानने वाला नहीं है। अभी बंगाल में आज दूसरे चरण का चुनाव है, वोटिंग जारी है, और आप जैसा पत्रकारिता के बारे में भी आप जानते हैं, आप एक पत्रकार के साथ रही हैं और सियासत से तो आपका पुराना नाता है। आज सियासत बहुत किया, लड़के लोग को बोलते हैं हम लोग पॉलिटिक्स करके छोड़ दिया। आप बहादुर शाह जफर खानदान की हैं, तो अभी मौजूदा जो बंगाल की सियासत है उस पर क्या कहेंगे? देखिए हम तो बस यही दुआ करेंगे कि दीदी जीते, इसलिए देखिए हमको मज़हब से मतलब नहीं, वो हिंदू है वो मुसलमान है वो क्रिश्चियन, हमको इससे हमको चाहिए इंसानियत, और दूसरी बात है इनके इसमें कि कम से कम सुकून है। अभी जैसे योगी बोल रहे हैं, पेपर में पढ़ा, सुना तो नहीं हमने, पेपर में पढ़ा कि मुसलमान नकाब नहीं पहने, क्यों नहीं पहने, तुम्हारे बाप की जागीर है, इस्लाम में पर्दा आया, हम लोग बेपर्दा घूम रहे, लेकिन पर्दा कैसे उठा दे, अगर तुमको हम कहें कि तुम धोती खोल के दौड़ोगे? देखिए पॉलिटिक्स करना है तो दुनियावी हिसाब से करो, किसी का मजहब से खिलवाड़ नहीं करो, तो ये लोग तो हर कुछ अपने आप बिगाड़ रहे हैं, तुमको पर्दा से क्या लेना, तुम यूपी का सबका चोंगा उतार दिए, अजान मत दो हम लोग को तकलीफ हो रही, तुम जब मंदिर में घंटा बजाते तो हम लोग को तकलीफ नहीं होती है, तो ये लोग एक अभी देखिए अभी क्या है, जय श्री राम बस में, जय श्री राम जय श्री राम, अरे भैया ये एक छेड़ है, मोदी जी आए थे सब जय श्री राम का नारा लगाया, हमने सुना तो एक हिंदू बोला, अच्छा हुआ हिंदू बोला कि राम थे क्या, बोले भगवान, बोले भगवान अगर थे तो रावण जब सोना का हरिंग बन के आया तो भगवान को दिखाई क्यों नहीं दिया, पंछी का पंख काट दिया, भगवान थे तो उसका पंख क्यों नहीं जोड़ा, एक बानर का सहारा क्यों लिया, अब आप ही बताइए, उसी का मजहब का इंसान उसी को जूता मारा। हम बचपन से नेहरू के टाइम से देखते आए, इलेक्शन भी देखते आए, हर मिनिस्टर को देखते आए, लेकिन कोई भी इतना गाली नहीं सुना, यूट्यूब में हम रोज़ सुनते हैं। दूसरी बात है अगर जैसे बीजेपी अगर थे तो अटल बिहारी जी को हम जो हैं दुआ देते, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, क्यों
कि वो हमारा कबर लेने के लिए स्वामी चिन्मयानंद जी को भेजे और 50,000 रुपये का चेक भी भेजे। उस वक्त ममता बनर्जी और तपन सिकदार आए थे, वो विकास मंत्री थे, और ये भी वादा कर गए थे कि अगर हम लोग की हुकूमत रही तो आपका सब वादा पूरा होगा। लेकिन बदकिस्मती था कि हार गए। आज भी चिन्मयानंद जी से मेरी बात होती है, और हरिद्वार में है और हमको बहन बना लिए। हम बोला हाँ भाईजान, हम आए थे देहरादून, लेकिन वादा करते अगली बार हम आएंगे तो आपसे मिलेंगे। ममता दीदी से कभी मुलाकात हुई है? नहीं, हम जाते नहीं। देखिए, मेरे शौहर का भी यही ख्याल था कि बड़े आदमी के यहाँ कभी जाओ नहीं, और हम भी वही कहते, मेरे पास फटी चिटाई है, जिसको आना यहीं आए। हम गंदगी में रहते, मजदूर बस्ती में रहते, जिसको मिलना वो यहाँ आए, हम किसी के यहाँ नहीं जाएंगे। हाँ, खुदा ना करे किसी का कोई मुसीबत पड़ा, एक भिखारी के झोपड़ी में चले जाएंगे। क्यों, आप खुद देखिए, आप बड़े आदमी के यहाँ जाइए, एक तो पहले दरवाज़ा नहीं खुलेगा, दूसरी बात आप खड़े रहिए आपको बैठने नहीं बोला जाएगा, क्योंकि उसके पास दौलत है। तो हम तो एक से बोल दिया, तुम्हारे पास दौलत है, मेरे पास इज्जत है, हम बड़े आदमी क्या कभी नहीं जाते। हम बहुत से गरीबों का शादी भी करवाए, सब कुछ किया, गाय बजाए, उसका रीत रिसम सब करते, बड़े आदमी क्या हम भूल से नहीं जाते। ये मेरे शौहर का मानना था, वो आपको बैठने तक नहीं कहेगा। आप उसके दरवाजे में जाइए, आदमी मान लीजिए भिखारी है, खड़ा है, वो बीक देंगे, हम लेंगे, उसके बाद आप चले आइए। गरीब क्या जाइएगा, आपको इज्जत मिलेगी। लेकिन भैया, अगर वो मोदी जी मेरा कुछ भी कर ले, अगर चे यहाँ बीजेपी आई तो सेकंड गुजरात बन जाएगा। हम किसी से डरते नहीं हैं, क्या है, बहुत करेंगे, पेंशन बंद करेंगे ना। अमेरिका से 1981 में अब पेरिस से इंसान आया कि आप यहाँ पर मलका बनकर नहीं है, आपके बच्चे लोग बहुत खस्ता हाल है, चलिए आपको पैर। हम बोला भैया हाथ जोड़े, हमारे एक गुरु है इमाम हुसैन के ख़ानदान से हैं। हम बोला हुजूर आपका हम पैर पड़े, हुजूर आप दुआ कीजिए कि ये हमको ले ना जाए, हम तवारीख उल्टा नहीं करना चाहते, नहीं तो आज हम पेरिस बैठे रहते, आप बताइए मेरे बच्चे लोग कहाँ होते। लेकिन हम इस मिट्टी से जुड़े, हम बहादुर शाह को इंशाल्लाह अपने ज़िंदगी में तो शर्मिंदा नहीं करेंगे, अब बच्चे लोग क्या करेंगे, ये अल्लाह मालिक है। तो आप भी चाहती हैं कि दीदी जीते, मेरे घर आई, मेरी बच्ची को नौकरी दी, मेरी नवासी को रेलवे में नौकरी दी, अभी सर्विस कर रही इसमें BNR में है, वही जीते। देखिए, दीदी जीते या मोदी जीते, कोई भी पार्टी जीते, हम लोग चाहते सुकून अमन से सब रहे। और ये महंगाई, जय श्री राम, पेट्रोल का दाम, जय श्री राम, सिलेंडर का दाम, कहाँ सब्सिडी आ रहा, 19 रुपया सब्सिडी आ रहा। तुम तो बोल रहे जब तक फूल रहेगा जब तक तिरमूल रहेगा। कुल मिलाकर समझ में आ रहा है कि अब जो है, पहले जिनकी सत्ता थी, बहादुर शाह जफर खानदान की बहू जब ये कह रही है कि दीदी ही आए, तो इसके आगे तो कुछ कहना ही मुमकिन नहीं है। द कंटाफ से कैमरा पर्सन विनोद के साथ मैं संपदा, कोलकाता।